नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है नवरात्रि में पूजा में चढ़ाए हुए पान का क्या करें, क्या खा सकते हैं या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर हवन में समर्पित कर सकते हैं, क्या करें। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है 3 अक्टूबर 2024 से। नवरात्रि में मैया को 9 नवरात्रि में पान के वीड़े का भोग लगाया जाता है, उसका क्या करें। दो तरह के पान मैया को अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, यानी कि एक मीठा पान मैया को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद उसे प्रसाद स्वरूप परिवार जनों में वितरित किया जाता है, यानी कि ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं। एक पान का पत्ता जो चढ़ाया जाता है उसके ऊपर 2 फूल वाली लौंग, 2 इलायची और 2 पताशे रखकर जिसे मैया को अर्पित किया जाता है, इस पान के पत्ते का क्या करना चाहिए। इस पान के पत्ते को अगर आप डेली हवन करते हैं तो इस पान के पत्ते का वीड़ा बनाकर हवन में आहुति के रूप में मैया को समर्पित कर सकते हैं। अगर आप अग्नि में पान के वीड़े को समर्पित करेंगे तो सीधे ही मैया को भोग के रूप में पहुंच जाता है। अगर आपके घर परिवार में पान को ना खाते हैं, ना ही हवन में आहुति के रूप में समर्पित करते हैं तो क्या करें। देखिए दोस्तों कुछ लोग इस पान को जल प्रवाहित कर देते हैं, बहुत से लोग भूमि विसर्जन करते हैं, बहुत से लोग पान के पत्ते इकट्ठे करते हैं और नवमी के दिन जब विसर्जन करते हैं तो उस दिन इकट्ठा फूल पत्ती के साथ विसर्जन कर देते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप चाहें तो प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, आप चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हवन में आहुति के रूप में भी समर्पित कर सकते हैं। तीनों ही तरीके सही, आपको जो ठीक लगे वैसा कर सकते हैं या फिर आपके घर परिवार में जैसा करते हैं आप वैसा भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।